हे hey दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन डॉबरमैन एंड यूरोपियन डॉबरमैन के बारे में बात करेंगे। इन डॉबरमैन्स में क्या डिफरेंस होता है एंड इनकी इंडिया में क्या प्राइस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने रॉटवेलर के 3 टाइप्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब तक उस वीडियो पर 2,30,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो मुझे उसी वीडियो पर कमेंट आया था कि डॉबरमैन के टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो मैं आप सबकी डिमांड पर बना रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं अमेरिकन डॉबरमैन एंड यूरोपियन डॉबरमैन के बारे में। अमेरिकन डॉबरमैन्स को 1890s में जर्मनी में पाया गया था। इन डॉग्स को अमेरिकन डॉबरमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1890s में इन डॉग्स को अमेरिका ले जाकर ब्रीड किया गया था, इसलिए इन डॉग्स को अमेरिकन डॉबरमैन कहा जाता है। यूरोपियन डॉबरमैन को भी 1890s में जर्मनी में पाया गया था। इन डॉग्स को यूरोपियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन डॉग्स को 1890 में यूरोप ले जाया गया था इनकी ZPT टेस्टिंग के लिए, और तभी से इन डॉबरमैन्स को यूरोपियन डॉबरमैन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। अमेरिकन डॉबरमैन की हाइट 61 से लेकर 72 सेंटीमीटर्स तक होगी एंड वेट 27 टू 45 केजीस तक होगा। यूरोपियन डॉबरमैन की हाइट 64 से लेकर 75 सेंटीमीटर्स तक होगी एंड वेट 30 से लेकर 48 केजीस तक होगा। यूरोपियन डॉबरमैन अमेरिकन डॉबरमैन से हाइट में बड़ा होगा और मस्क्यूलर होगा। ये दोनों ही डॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जर्मन शेफर्ड के बाद हमें डॉबरमैन ही सबसे ज़्यादा पुलिस में देखने को मिल जाते हैं और इन डॉग्स को ट्रेनिंग देना भी काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन डिफरेंस में, इन दोनों डॉबरमैन्स में मेन डिफरेंस क्या है। बॉडी स्ट्रक्चर, यूरोपियन डॉबरमैन बड़े होंगे अमेरिकन डॉबरमैन से। यूरोपियन डॉबरमैन अमेरिकन डॉबरमैन से ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा हेल्दी होंगे, और इन्हें हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अमेरिकन डॉबरमैन पर जो टैन कलर होता है उनके लेग्स पर, वो लाइट कलर में होगा, और यूरोपियन डॉबरमैन के लेग्स पर जो टैन कलर होता है गोल्डन जैसा, वो एकदम डार्क कलर में होगा। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि इन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। आप स्क्रीन पर बड़े ही आसानी से देख पा रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। इनका लाइफ स्पैन 12 से लेकर 14 ईयर्स तक होता है, दोनों का लाइफ स्पैन सेम होता है। इन दोनों का बाइट फोर्स 305 PSI होता है, जो कि दोनों ही डॉबरमैन्स का सेम होता है। अब हम बात करते हैं बिहेवियर, मतलब नेचर की। डॉबरमैन अमेरिकन हो या फिर यूरोपियन, डॉबरमैन डॉबरमैन होता है एंड ये नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं। डॉबरमैन प्रोटेक्टिव, लॉयल, गार्ड, फैमिली प्रोटेक्टिव होते हैं। वैसे देखा जाए तो काफ़ी शांत होते हैं डॉबरमैन्स, बट अगर इनको गुस्सा आए या फिर खतरा महसूस हो तो ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। अब हम इनके प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, डॉबरमैन के 2 टाइप्स होते हैं, बट ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो वो अमेरिकन डॉबरमैन हो या फिर यूरोपियन डॉबरमैन हो, वो दोनों ही सेम प्राइस में बेचते हैं। वैसे देखा जाए तो डॉबरमैन का प्राइस इंडिया में 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक होता है। यूरोपियन डॉबरमैन्स थोड़े से महंगे आते हैं, इनका प्राइस आपको इंडिया में 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं विद फैमिली। जहाँ फैमिली की बात आए तो दोनों काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स हैं, बट कुछ कंडीशंस में यूरोपियन डॉबरमैन थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। डॉबरमैन्स काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, ये अपनी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके घर में या फिर आप पर कोई खतरा महसूस हो तो ये डॉग्स आपके लिए अपनी जान भी गंवा सकते हैं, इतने ज़्यादा ये डॉग्स लॉयल होते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिकन हो या फिर यूरोपियन डॉबरमैन हो, दोनों ही काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। ये तो बात हो गई डॉबरमैन्स के बारे में। अगर आपको रॉटवेलर के भी 3 टाइप्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।